जितना पैकेज दिया है पहले खर्च करो ना। लूटने वालों को पैकेज देने का क्या मतलब है, लूटेगा और इनको पैकेज देते जाओ। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक संपन्न हो गई और 24 जून को ही ठीक एक दिन बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार दौरा था, लेकिन स्थगित कर दिया गया। कहीं ना कहीं उसके बाद से 29 जून को यानी आज अमित शाह जी बिहार दौरे पर हैं। मुंगेर की यानी मुंगेर के लखीसराय के गांधी मैदान से हुंकार भरने वाले हैं। और आपको बताते चले कि मुंगेर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं, उनको कहीं ना कहीं घेरने की तैयारी है। उसको लेकर के आज बीजेपी के नेता यानी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से बात किया गया कि ललन सिंह का वो क्षेत्र है, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार बीजेपी का क्षेत्र है। साफ कर दिया कि बिहार में जितना भी क्षेत्र है यानी लोकसभा जो भी है बीजेपी का है। और क्या कुछ करें केंद्रीय मंत्री, पहले आप सुनिए। भाई, लगातार हमारे महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है पूरे देश भर में। मैं अभी राजस्थान से लौट के आ रहा हूँ तो, और बड़े सभी नेताओं का कार्यक्रम लगा हुआ है, सांसद मंत्री सभी का, तो उसी क्रम में ये सभा है, महासभा है, महाजनसंपर्क अभियान है, तो इसको आप जो भी समझो, चुनावी साल तो है ही। तो हमारा काम तो बूथ का, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कार्यक्रम लिया 27 तारीख को कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो हम तो बूथ तक जाने वाले लोग हैं ना, बूथ तक काम करने वाले लोग हैं। हम तो संगठन को भी, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए करो। तो हम तो भला जिसमें देश का हो वो काम करते हैं, हम कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाते हैं और संगठन को भी आगे बढ़ाने का काम और जनता को भी संदेश देने का काम एक साथ चलता है। सर, ललन सिंह के गढ़ में पहुंच अमित शाह हैं और ललन सिंह कह रहे थे कि कोई आए जाए कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमित शाह। अरे किनका गढ़ है? हैं, वो गढ़ किसी का नहीं है, गढ़ तो बिहार हमारा गढ़ है, भाजपा का गढ़ है। चुनाव में क्या हम थे तो वो थे, चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? चुनाव में फर्क पड़ना ही है, चुनाव में फर्क पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। महागठबंधन उम्मीद कर रही है अमित शाह जी के दौरे से कि स्पेशल पैकेज देंगे, अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो स्पेशल पैकेज। स्पेशल पैकेज से स्पेशल जितना पैकेज दिया है वो पहले खर्च करो ना। लूटने वालों को पैकेज देने का क्या मतलब है, लूटेगा और इनको पैकेज देते जाओ। तो आपने सुना किस तरीके से साफ कर दिया है कि जो ललन सिंह के बारे में बात की, वो किसी का क्षेत्र नहीं, वो बीजेपी का है और जब साथ में थे तब चुनाव जीते थे। सारी इशारा है कि हमारे साथ थे तब थे। और एक और बात बताते चले कि जिस तरीके से विशेष पैकेज को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि जो पहले का दिया गया था वो तो खर्च कर नहीं पाते हैं, इन लोगों को और पैसा दे करके क्या लूटपाट करने के लिए दे दिया जाए क्या। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।